अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे एयरटेल फीचर फोन के बारे में, जो कि आपको पता ही होगा कि जियो ने फीचर फोन लॉन्च कर दिया है। अब 15 अगस्त से उसकी बीटा टेस्टिंग शुरू होने वाली है और 14 अगस्त से आपको उसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये सितंबर में ये मिलेगा, लेकिन अगला महीना यानी अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जियो ने फोन उसके अनाउंसमेंट कर दी है कि जियो ने अभी फोन वो फीचर फोन निकालेगा जियो के प्राइस में। सिक्योरिटी तौर पर आप उसे कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन सबसे अहम बात, क्योंकि ये होना जरूरी था, एयरटेल बहुत पिछड़ रहा था, क्योंकि अभी भी एयरटेल के पास सबसे ज्यादा कस्टमर है, जो से भी ज्यादा एयरटेल के पास कस्टमर है। अभी इसकी वीओएलटी सेवा लॉन्च वो मार्च के लगभग 2018 के पास वो लॉन्च करने वाला है। उससे पहले या आज मेरे ख्याल से अगले महीने में या उसके अगले महीने में, 2 महीने में ये जियो फोन खुद का जो एयरटेल फोन है वो खुद का तो एयरटेल फोन वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा है। ये कुछ ऐसे कंपनी के साथ जो कि ब्रांड है, माइक्रोमैक, इंटेक्स, कार्बन, इसके साथ कुछ टाइप करके कुछ ऐसे ऑफर निकालने की सोच रहा है कि आपको एयरटेल फोन आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको इतना का मंथली रिचार्ज करना पड़ेगा, आपको सभी कॉल्स या कुछ ऐसे डेटा वगैरह सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है। लेकिन जियो जैसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी जो एक साल का जब से जियो आया है उससे लेकर आज तक ऐसा कोई प्लान जियो से मिलता कि जियो के आसपास भी कुछ भटकता होगा उन कंपनियों का, ऐसा कोई भी प्लान इन्होंने अभी तक तो नहीं निकाला है। क्योंकि ऐसा प्लान निकालते हैं कि कुछ में टर्म एंड कंडीशन रहती है, कुछ में ऐसा कुछ अलग से रहता है कि ये न्यू यूजर के लिए, ओल्ड यूजर के लिए, पोस्ट यूजर के लिए, ऐसा कुछ प्लान ये निकालते हैं। लेकिन जियो का एक ही प्लान निकलता है सभी के लिए, सभी प्रकार से आप उसे प्लान में फिट बैठते हैं। उसी प्रकार से जो एयरटेल ने जो फोन लॉन्च करने की सोच रहा है, लगभग अभी इसकी डेट वगैरह कुछ ऐसे अनाउंसिंग नहीं हो चुकी है, लेकिन ये सबसे अच्छा मैं तो फैसला कहूंगा एयरटेल का, क्योंकि अगर ये उनका 4G फीचर फोन अभी जल्द से जल्द आता है तब मार्केट में बहुत घमासान मचने वाला है। क्योंकि मार्केट में ऐसा मार्केट एक तरफ चल रहा था कि कुछ भी हो सकता है, इस मुकाम पे आज मार्केट है जो कि टेलीकॉम का, कि कहां भी मार्केट जा सकता है, यहां से जियो के फेवर में जा सकता है, एयरटेल के फेवर में जा सकता है, क्योंकि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन एक साथ हो सकते हैं, जियो अकेला पड़ सकता है, ऐसा बहुत सारे अगले कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत हलचल होने वाली है इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री में। अगर ये जो फोन एयरटेल ने जो लॉन्च किया तो बस अभी तो क्या बोले, अब बहुत पंगा होने वाला है बॉस, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कंज्यूमर, अपने कस्टमर के लिए या अपने ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ये आपको सभी को पता ही होगा। अगले 2 साल में बहुत सारे इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सारा बदलाव होने वाला है। 1 साल में आपने देख लिया कि 1 साल में कितना बदलाव हो चुका है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको बदलाव हर नजर आने वाला है। ये था एयरटेल फोन के लिए थोड़ा सा अपडेट। एयरटेल फोन लॉन्च करने वाला है, अगर ये फोन लॉन्च जल्द से जल्द होता है तो आपके लिए मैं सबसे अच्छी खबर लेके, जल्द से जल्द खबर लेके आऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज डिसलाइक कीजिए। हाँ, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगर एयरटेल ने जो फीचर फोन लॉन्च किया तो उसकी प्राइस एयरटेल क्या रख सकता है। आप मुझे सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश कीजिए। तो चलते फ्रेंड, मिलते ऐसे मोबाइल के अपडेट में।